दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोज आपके पास आसानी से पहुंचते रहे। अरे सवार हो जाए जब जुनून सर पर, अरे सवार हो जाए जब जुनून सर पर कि हमें कुछ पा लेना है, फिर क्या रह जाएगा इस दुनिया में जो तेरे हाथ नहीं आना है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए के ऑलराउंडर। फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल योर चैनल ए के ऑलराउंडर सल्यूट ऑल ब्रेव कोरोना वॉरियर्स इंक्लूडिंग डिफेंस स्टाफ, मेडिकल स्टाफ, स्टोर्ड स्टाफ, सोशल वर्कर्स, गवर्नमेंट्स एंड ऑल्सो इवन कंट्रीमैन हु फॉलोज प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस इन लॉकडाउन। दोस्तों, आज मैं फिर आप लोग के सामने एक लाजवाब टॉपिक लेकर आया हूँ। जी हाँ दोस्तों, आज का यह टॉपिक है स्क्वायर निकाले मात्र 2 सेकंड में। मात्र 2 सेकंड में स्क्वायर निकालने का एक अजीब मेथड लेकर आया हूँ फ्रेंड्स। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहेगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए दोस्त, स्टार्ट करते हैं फटाफट। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे प्रीवियस वीडियोज नहीं देखे हैं तो सबसे पहले प्ले लिस्ट में जाकर आप मेरे प्रीवियस वीडियोज को जरूर जरूर देखें। तो चलिए देख लिया जाए फ्रेंड्स। जैसे बेस फिगर है या मल्टीप्लाई है, जैसे मान लीजिए 50 है बेस फिगर, मैंने जिसके नजदीक है 50 के अगर नजदीक है तो आपसे मल्टीप्लाई करना है, 100 के नजदीक है तो 1 से मल्टीप्लाई करना है, 150 के नजदीक है तो 1.5 से मल्टीप्लाई करना है, 200 के नजदीक है तो 2 से मल्टीप्लाई करना है, 250 के नजदीक है तो 2.5 से मल्टीप्लाई करना है, 300 के नजदीक है तो 3 से मल्टीप्लाई करना है। इस तरह से आपको मल्टीप्लाई करते जाना है, 400 है तो 4 से, 500 है तो 5 से। मेनली आपको ध्यान में रखना है कि 100 के मल्टीपल के जो नजदीक है उससे आपको रखना है कि आपको मल्टीप्लाई करने में आसानी हो। जैसे मान लीजिए 103 का स्क्वायर करना है तो किसके नजदीक है, तो 100 के नजदीक है, ये बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद ब खुद समझ सकते हैं। 198 का मान लीजिए स्क्वायर आ गया तो किसके नजदीक है, 200 के नजदीक है। जैसे 99 का स्क्वायर आ गया तो 99 किसके नजदीक है, 100 के। 112 का स्क्वायर आ जाएगा तो इस किसके नजदीक है, 100 या 200 के नजदीक, तो 100 के नजदीक है। इसलिए इसका बेस फिगर हम लोग 100 मान के चलेंगे। 124 है तो किसके नजदीक है, 100 के नजदीक है। 308 है किसके नजदीक है, 300 के नजदीक है। 212 है किसके नजदीक है, 200 या 300 के नजदीक है, तो 200 के नजदीक है, 212। फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट अंदाज में। दोस्तों, बैलेंस बनाकर आप रहिएगा। तो चलिए देख लिया जाए दोस्तों। जैसे मान लीजिए 102 का स्क्वायर करना है, 102 का स्क्वायर करना है, तो यह किसके नजदीक है, 100 के या 200, तो 100 के नजदीक है। तो 100 से कितना ज्यादा है, तो 2 ज्यादा है, तो 2 का स्क्वायर हम लोग लिखेंगे, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, यहाँ 0 और 4 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि मान लीजिए यहाँ 100 है, यहाँ 2 डिजिट पे 2 ठो 0, इसलिए हम लोग यहाँ 0 4 ले लेते हैं। 200 है तो यहाँ भी हम लोग 2 डिजिट लेंगे। अगर मान लीजिए 1000 आ गया तो यहाँ हम लोग 3 डिजिट पहले फुलफिल करेंगे, तो यहाँ 2 का स्क्वायर आया है 4, तो मेरा तो 1 डिजिट भर रहा है, इधर तो कुछ नहीं आ रहा है, तो यहाँ हम अपने से खुद से 0 ले ले रहे हैं, तभी मेरा 2 डिजिट फुलफिल होगा। तो चलिए देख लिया जाए दोस्तों, ध्यान देंगे। जैसे 102 है तो 100 से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, 2 का स्क्वायर अगर करेंगे तो 4 होगा। तो हम 100 के बेस पे ले रहे हैं यानी कि 4, तो यहाँ 4 को 0 4 लिखेंगे, क्योंकि हमको 2 डिजिट फुलफिल करना है, तो 4 इधर लिखेंगे, इधर 0 लिखेंगे तो 40 हो जाएगा, इसलिए 0 और 4। 100 से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, 2 को ऐड करेंगे तो 104 हो जाएगा, तो यानी कि 104 04, यही 102 का स्क्वायर रूट हुआ। जैसे 103 का करना है तो 3 का स्क्वायर, 100 से कितना ज्यादा, 3 का स्क्वायर 9, तो 09 लिख देंगे। 100 से कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है, 3 इसमें ऐड कर दिए तो 106 हो गया, यहाँ 106 लिख दिए। ये 100 के बेस पर ले रहे हैं इसलिए यहाँ इनडायरेक्टली 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन 106 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 104 ही होगा। जैसे यहाँ देखिए 104 है, तो 100 से कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है, 4 के स्क्वायर कितना हुआ, 16। अब 100 से कितना ज्यादा ये भी देखना है, तो 100 से कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है, तो 4 इसमें ऐड करेंगे, 104 और 4 108। फ्रेंड्स, हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा है, अगर समझ में आ रहा है तो लाइक बटन को ठोके। दोस्तों, मैं समझाने के लिए आपको
बता रहा हूँ, नहीं तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा। जैसे देखिए यहाँ कैसे, 2 सेकंड में 100, 500, 100 से कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है, तो 5 के स्क्वायर अगर करेंगे तो 25, और 105 में अगर 5 जोड़ेंगे तो 110। यही मेरा स्क्वायर हुआ 105 का। जैसे 106 के स्क्वायर करना है तो 100 से कितना ज्यादा है, 6 ज्यादा है, तो 6 के स्क्वायर कितना होता है, 36, यानी 36 लिख लेना है। 106 में 6 जोड़ेंगे, 6 क्यों जोड़ेंगे, 100 से 6 ज्यादा है, तो 112 हो जाएगा, यानी कि 1, 1, 2 और 3, 6, यही मेरा 106 का स्क्वायर हुआ। दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे। नेक्स्ट 108 का स्क्वायर करना है, तो 100 से कितना ज्यादा है, 8 ज्यादा है, तो 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64, और 100 से कितना ज्यादा है, 8 ज्यादा है, तो 8 इसमें ऐड कर देंगे, 108 और 8, 116, यानी कि 1, 1, 6, 6, 4, यही 108 का स्क्वायर हुआ। फ्रेंड्स प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको मात्र 2 सेकंड में स्क्वायर निकालने सीख जाइएगा। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। फ्रेंड्स ध्यान देंगे, जैसे 112 का स्क्वायर है, तो 100 से कितना ज्यादा है, 12, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144, तो हमको पहले 2 डिजिट लेना है, यानी कि 4 और 4 को लेंगे, और यहाँ 144 में एक को यहीं पे छोड़ देंगे, लास्ट में स्क्वायर करेंगे। 100 से कितना ज्यादा है, 12 ज्यादा है, तो इसमें 12 को ऐड करेंगे, तो 112 और 12 100 कितना होगा, 24, 124, 124 में एक को जोड़ देंगे कितना हो गया, 125, यानी कि यही 125, 144 मेरा 112 का स्क्वायर हुआ। जैसे 114 का देखना है, 114 यानी कि 100 से कितना ज्यादा है, 14 ज्यादा है, 14 के स्क्वायर 196 होता है, तो लास्ट का 2 डिजिट हमको लेना है, 96 ले लिए, 114 में 14 जोड़ेंगे, क्या कि 100 से 14 ज्यादा है, तो 128, 128 में एक जोड़ेंगे, यानी कि 129। नेक्स्ट 124 का होल स्क्वायर है, तो 24 100 से कितना ज्यादा है, 24, 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576, तो इसका 2 डिजिट यानी कि 7 और 6 पहले ले लेंगे, 124, 100 से कितना ज्यादा है, 24 ज्यादा है, तो इसमें 24 को हम ऐड करेंगे, तो 124 और 24 148 हो गया, और यहाँ ये जो 5 है इसको ऐड करेंगे, यानी कि 153, 15376, यही 124 का स्क्वायर हो गया। फ्रेंड्स हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए 100 से नीचे के देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए 99 का स्क्वायर करना है, तो 100 से कितना कम है, एक कम है, एक का स्क्वायर कितना होगा, एक ही होगा, तो यहाँ 01 लिख लेंगे। 100 से कितना कम है, एक कम है, तो एक यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो ज्यादा रहता है बेस से उसमें ऐड करते हैं, और बेस से कम रहता है तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो बेस यहाँ क्या है, 100 है, तो एक इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 98 हो जाएगा, 9801, यही मेरा 99 का होल स्क्वायर हुआ। नेक्स्ट 97 का होल स्क्वायर, 100 से कितना कम है, 3 कम है, 100 से 3 कम है, 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 होगा, तो यहाँ 0 और 9 लिख लिए, और 97 में 3 को सब्ट्रैक्ट किया, क्योंकि 100 से 3 कम है, तो ये हो जाएगा 9409, यही मेरा आंसर हो गया। जैसे 96 का होल स्क्वायर करना है, तो 100 से कितना कम है, 4 कम है, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, और 100 से कितना कम है, 4, तो 4 इसमें हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 92 हो जाएगा, तो 9216, मात्र 2 सेकंड में। जैसे 98 का होल स्क्वायर करना है, तो 100 से कितना कम है, 2, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, तो 04 लिख दिए, और 98 में 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी कि 9604, यही मेरा आंसर होगा। नेक्स्ट 88, 100 से कितना कम है, 12 कम है, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144, यहाँ 4 और 4 को हम पुट कर दिया, अब एक को यहीं पे छोड़ दिए, अब इसमें हम 12 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्यों करेंगे कि 100 से ही 12 कम है, अगर 12 के में सब्ट्रैक्ट हम करते हैं तो 76 होगा, और ये जो यहाँ एक जो ये छोड़े थे 144 का, इसमें एक ऐड कर देंगे, तो 77, 7744, यही मेरा 88 का स्क्वायर हुआ। जैसे 82 का होल स्क्वायर करना है, तो ये 100 से कितना कम है, 18 कम है, 18 का स्क्वायर कितना होता है, 324, लास्ट का 2 डिजिट लेना है, यानी कि 2 और 4 को हम ले लिए और 3 को यहीं छोड़ दिए, कितना कम है ये, 82 जो है वो 100 से कितना कम है, 18 कम है, इसमें 18 हम सब टाइप कर दिया है, अगर 18 सब टाइप करते हैं तो 64 हो जाएगा,
82 में 18 सबट्रैक्ट किया, 18 क्यों सबट्रैक्ट किया, क्योंकि 100 से 18 कम है, तो 18 सबट्रैक्ट किया तो 64 हुआ, और ये जो 3 है इसको ऐड कर देंगे यानी कि 67। फ्रेंड्स हमें उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे। दोस्त मोर प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। फ्रेंड्स ध्यान देंगे, जैसे बेस 200 है यानी कि बेस 200 है, तो सबसे पहले दो डिजिट लेंगे हम लोग, 203 का स्क्वायर, 204 का स्क्वायर, 206, 208 और 212 का स्क्वायर। 200 से कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, यानी कि 0 और 9 लिख लेंगे। 203 में 3 को ऐड करें क्योंकि 3 ज़्यादा है, तो कितना हो गया 206। 100 में बेस 1 था, 200 में 2 था, 300 में 3 था, 400 में 4 है, 500 में 5 है, इस तरह से आपको मल्टीप्लाई करना है। तो 206 हुआ, इसमें 200 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 412 हो जाएगा, यानी कि 41209, यही 203 का होल स्क्वायर हुआ। नेक्स्ट जैसे 204 का होल स्क्वायर करना है, तो कितना ज़्यादा है 200 से, 4 ज़्यादा है, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो 1 और 6 लिख लिए। 204 में 4 को ऐड करेंगे, क्यों ऐड करेंगे, 200 से 4 ज़्यादा है, तो ये हो गया 208, 204 और 4 208, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 416 हो जाएगा। दोस्तों यही हुआ 204 का होल स्क्वायर, 41616, 41616। नेक्स्ट 206 का होल स्क्वायर है, तो 200 से कितना ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है, तो 6 का स्क्वायर कितना हुआ 36, 200 में 6 जोड़ेंगे तो 212, 212 को 2 से गुना करेंगे यानी कि 424, यही मेरा 206 का होल स्क्वायर हुआ। नेक्स्ट 208 का होल स्क्वायर करना है, तो 200 से कितना ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है, तो 8 का स्क्वायर कितना हुआ 64, 208 है, 200 से कितना ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है, तो इसमें 8 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 216, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 200 मल्टीप्लाई क्यों करें, क्योंकि 200 के नज़दीक यानी कि 200 के बेस से हम लोग ले रहे हैं, यानी कि 400 ये 32 हो जाएगा, 432 64, यानी 43264, यही 208 का होल स्क्वायर होगा। फ्रेंड्स यहाँ ध्यान देंगे, जैसे 212 है, 200 से कितना ज़्यादा है, 12 ज़्यादा है, अगर 12 के स्क्वायर हम लोग करते हैं तो 144 होगा। लेना हमको दो डिजिट है, क्योंकि यहाँ हमको दो डिजिट लेना है, 1000 रहेगा तब 3 डिजिट लेना है, तो यहाँ दो डिजिट लेना है, तो सबसे पहले हम ऐसे डैश किए और यहाँ दो डिजिट ले लिए, यानी कि 44 ले लिए, 1 को यहीं छोड़ दिए। 212 है, कितना ज़्यादा है 200 से, तो 12 ज़्यादा है, तो कितना हो जाएगा 224, 212 में अगर 12 को ऐड करेंगे तो 224 होगा। क्यों 12 ऐड किए, क्योंकि 200 से 12 ज़्यादा है, 212 में 12 ऐड करेंगे तो 224 होगा। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेगा 448, 448, लेकिन यही नहीं लिखना, ये जो 1 है ये कहाँ जाएगा, इसको 1 इसमें ऐड करना है, यानी कि ये ध्यान रखिएगा, जो 448 यहाँ आया इसमें 1 को यहाँ ऐड करना है, यानी कि 449। कितना स्टूडेंट यहाँ डायरेक्ट लिख देते हैं 449 44, यही आपका 212 का होल स्क्वायर हुआ। जैसे 213 है, तो 213 है तो 200 से कितना ज़्यादा है, 13 ज़्यादा है, तो 13 का स्क्वायर कितना हुआ 169, तो यहाँ हमको दो डिजिट लेना है यानी कि 609 लेंगे, 1 को यहाँ छोड़ देंगे। 213 में 13 ऐड करेंगे, 213 में 13 ऐड करेंगे तो 226 होगा, 226। अब इसमें हमको 2 से मल्टीप्लाई करना है, 226 में अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 452, और प्लस यहाँ ये जो 1 जो कैरी है इसको जोड़ेंगे यानी कि 453, 45369, यही 213 का होल स्क्वायर होगा। दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। फ्रेंड्स अगर समझ में आ रहा है तो लाइक और शेयर करने में कंजूसी नहीं करें। जैसे 198 का होल स्क्वायर करना है, 100 से कितना कम है, 2 कम है, 100 से कितना कम है, 2 कम है, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 होगा, यानी कि 0 और 4 लिख लेंगे, और 198 में हम 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्यों करेंगे कि 200 से 2 कम है, तो ये 196 हो गया, 196 होगा। अब इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि हम 200 के बेस पर ले रहे हैं, 200 के बेस पे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 100 के बेस में 1 पर मल्टीप्लाई करते हैं, 500 के बेस पे 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, इस तरह से करते हैं, तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 6 12 के 2 हाथ में लग, 2 9 18 19 के 9 हाथ में लग, 2 का 2 1 3, 39204, यही 198 का होल स्क्वायर हुआ। जैसे ध्यान देंगे यहाँ 196 का होल स्क्वायर है, तो 200 से कितना कम है, 4 कम है, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 लिख दिए। अब इसमें 4 सबट्रैक्ट करेंगे, क्यों करेंगे, 200 में 4 कम है, तो इसमें 4 सबट्रैक्ट करेंगे तो 192 हो रहा है,
196 में 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 192। अब इसमें 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 दूनी के 4, 2 18 के 8 हम 2 का 2 3 38416। नेक्स्ट चलिए हम लोग 300 के बेस पे भी देख लेते हैं। जैसे ध्यान देंगे 308 है 300 के बेस पे, तो देखेंगे तो 300 से 8 ज्यादा है, तो 8 के स्क्वायर अगर करेंगे तो 8 8 64 यानी कि 604। 300 से 8 ज्यादा है, 8 इसमें ऐड करेंगे यानी कि 316। अब 300 के बेस पे है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 3 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 948 हो जाएगा, 948 64। यही मेरा 308 का होल स्क्वायर हुआ फ्रेंड्स। हमें उम्मीद है कि आपको समझदार होगा। जैसे देखिए 318 का होल स्क्वायर है, कितना ज्यादा है 300 से 18 ज्यादा है, तो 18 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 324 होता है। तो हमको 2 डिजिट लास्ट का लेना है यानी कि 24 लेना है। इसमें अगर 18 ऐड करेंगे, क्यों ऐड करेंगे, 300 से 18 ज्यादा है यानी कि 336। 336 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों करेंगे कि 300 के बेस पे देख रहे हैं, तो 3 से 18 के 8 हम लगे, 3 3 के 9, 1 10 के 0 हम लगे, 3 से 9 1 10 यानी कि 1008। और यही 3 इसमें ऐड कर देंगे तो 1011 2 4 101124 यही 318 का होल स्क्वायर हुआ। नेक्स्ट यहाँ ध्यान देंगे जैसे 302 का होल स्क्वायर है, तो 300 से कितना जाता है, 2 ज्यादा है, तो 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, तो यहाँ 04 लिखेंगे, 2 ऐड करेंगे, क्यों ऐड करेंगे, 300 से 2 ज्यादा है तो यानी कि 304 हो गया। अब मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 3 से, क्यों करेंगे कि बेस हम लोग 300 लेके चल रहे हैं, 300 के बेस में 3 से मल्टीप्लाई किया जाता है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4 12 के 2 हम ले, 3 0 1 और 3 3 के 9 यानी कि 91204। जैसे देखिए 292 है, 292 कितने के नजदीक है, 300 के नजदीक है, 292 300 में कितना कम है, 8 कम है, तो 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64। 8 का स्क्वायर 64, अब इसमें 8 का सबट्रैक्ट करेंगे हम लोग, क्यों करेंगे, क्योंकि 300 से ये 8 कम है तो ये 284 हो जाएगा। इसमें से 8 सबट्रैक्ट करेंगे, 8 क्यों सबट्रैक्ट किया, क्योंकि 300 में 8 कम है। अब इसको हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों करेंगे, 300 के बेस पर लेके चल रहे हैं, तो 85264 85264 384 को 3 करेंगे तो 852 होगा, 85264 यही मेरा 292 का होल स्क्वायर हुआ। नेक्स्ट हम लोग बेस 400 पर देखेंगे, बेस 400 पे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 4 से। जैसे देखिए 402 का होल स्क्वायर है, तो 400 से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो 04 लिख लेंगे और इसमें 2 ऐड करेंगे, क्यों ऐड करेंगे कि 2 ज्यादा है 400 से, तो ये 404 हो जाएगा। अब इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि बेस 400 है, 404 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1616 होगा यानी कि 161604 यही मेरा 402 का होल स्क्वायर हुआ। नेक्स्ट देखिए 401 का होल स्क्वायर हुआ, कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है, 1 का स्क्वायर 01। अब इसमें 1 ऐड करेंगे, क्यों ऐड करेंगे, 400 से 1 ज्यादा है तो 402 हो गया। अब इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों करेंगे कि 400 के बेस पर देख रहे हैं, 402 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1608 होगा, 160801 यही 401 का होल स्क्वायर हुआ। नहीं तो आप ये सब नहीं जानिएगा तो प्लस या माइनस करने में, मल्टीप्लाई करने में आप 2-3 मिनट निकाल लीजिए, आपको एग्जाम में 30 सेकंड में एक प्रश्न बनाना है यानी कि 30 सेकंड में। इसमें से भी आपको इस टाइम से में से भी आपको कुछ टाइम बचाना है जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है उसके लिए। तो आप सोचिए कि अगर आप कैलकुलेशन करने में 2-3 मिनट लगा दीजिएगा तो आपका क्या होगा। मान लीजिए दोस्त आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन मिला है और रफ शीट मिला है, कुछ दोस्त वहीं स्क्रीन पे ही आधा सोल्व कर लेते हैं, कुछ पेज पर, कुछ यहाँ पेज पे जो रफ शीट मिलता है उस पर भी एकदम बहुत अच्छा राइटिंग से 2 लिखेंगे 3 लिखेंगे, ऐसे हाथ को उठाना नहीं है, हाथ यहीं रहेगा और नींब यहीं रहेगा, वहाँ नज़र जो है स्क्रीन पे होना चाहिए, हाथ इधर उठाने और ऐसे करने में आपका कुछ समय बर्बाद हो जाएगा, इसलिए आप हाथ को यहीं रखिएगा और नीब को कम चलाएगा यानी कि छोटा छोटा, ज्यादा बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है कि 2 और 3 ऐसे लिखे हैं, मल्टीप्लाई ऐसे कर रहे हैं, 5 ऐसे कर रहे हैं, नहीं, 23 × 5 हो सके तो जो माइंड में कैलकुलेशन हो उसको माइंड में करना है, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। भीड़ को अगर चीरना है तो आपको ये सब जानना जरूरी है फ्रेंड्स। बिल और जैसे देखिए 390 का होल स्क्वायर है, यह 400 से 10 कम है, 400 से 10 कम है, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 होता है, 10 का स्क्वायर 100, 2 डिजिट लेना है तो हम 00 ले लिए,
अब इसमें 10 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि 10 कम है, अगर ज्यादा रहता तो 10 ऐड करते हैं, तो ये 380 हो गया। अब इसमें हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि बेस 400 है, 400 लेकर हम बना रहे हैं, तो 4 0 0, 4 8 32 के 2 3, 4 3 12 और 3 15, यानी कि 1520, और जो एक ए यहाँ है इसको ऐड कर देना है, यानी कि 1521, 1521 00, यही 390 का होल स्क्वायर हुआ। फ्रेंड्स हमें उम्मीद है कि आपको यह समझ में आ रहा होगा, अगर समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों को शेयर करें। फ्रेंड्स जैसे 500 के बेस पर अगर लेते हैं, 500 के बेस पर लेते हैं तो हम लोग मल्टीप्लाई 5 से करते हैं, जैसे देखिए 502 का होल स्क्वायर है, तो 500 से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, 500 से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 4 होगा, तो यहाँ 0 और 4 लिखे। अब इसमें 2 को ऐड करेंगे, क्यों ऐड करेंगे, क्योंकि 2 ज्यादा है, तो ये 504 हो गया, 502 में 2 ऐड करेंगे तो 504 हो गया। अब इसमें हमको मल्टीप्लाई करना है कितना से, 5 से, 5 से क्यों करेंगे, क्योंकि 500 के बेस पे हम लोग लेके बना रहे हैं, तो अगर 504 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2520 होगा, यानी कि 2520 04, यही मेरा आंसर हुआ। नेक्स्ट 503 का होल स्क्वायर है, 500 से कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है, 500 से कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है, 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 हो गया, तो यहाँ 0 और 9 लिखेंगे, और 500 से कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है, 3 इसमें ऐड करेंगे, यानी कि 506 हो गया। अब इसमें हमको 5 से मल्टीप्लाई करना है, क्यों करेंगे, क्योंकि 500 के बेस पर ले रहे हैं, 506 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2530 होगा। फ्रेंड्स मैं यहाँ आपको समझाने के लिए इतना लिख रहा हूँ, तो ये मैं नहीं लिखता, सिर्फ यहाँ मैं लिखता हूँ, इसमें इधर ये सब कुछ नहीं करूंगा। 2530 09 503 का होल स्क्वायर हुआ। फ्रेंड्स हमें उम्मीद है कि आपको यह समझ में आ रहा होगा। दोस्तों मान लीजिए आपसे एग्जाम में कोई जरूरी थोड़ा ना है कि 502 × 502 ही पूछेगा, मान लीजिए एग्जाम में 125 × 98 भी आ गया, मान लीजिए 225 × 125 आ गया, मान लीजिए 102 × 105 आ गया, तब क्या कीजिएगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में एक ब्रह्मास्त्र दूंगा, ब्रह्मास्त्र। फ्रेंड्स अगर आप मेरे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो मैथ का प्लेलिस्ट में जाकर आप ब्रह्मास्त्र देख सकते हैं, आपके मन में एक प्रश्न उठ रहे होंगे कि आखिर ब्रह्मास्त्र क्या है। फ्रेंड्स ब्रह्मास्त्र इज एन अल्टीमेट वे और मेथड विच यू कैन यूज टू गेट आंसर इन जस्ट 2 सेकेंड, इन जस्ट 2 सेकेंड, ब्रह्मास्त्र यूज करके आप 2 सेकेंड में आंसर प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करने का तरीका, वह सेम नंबर ही क्यों न हो, क्यों ना हो और डिफरेंट हो, जैसे मान लीजिए 102 × 102 रहे या 102 × 103 रहे, कोई भी नंबर रहे चीर के रख दीजिएगा। फ्रेंड्स मैं ब्रह्मास्त्र में शायद तभी बताऊंगा जब आप इस वीडियो के ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, यानी कि स्क्वायर वाले इस वीडियो को आप शेयर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को पहुंचाएगा, स्टूडेंट तक पहुंचाएगा, तभी मैं वो ब्रह्मास्त्र दूंगा। वो ब्रह्मास्त्र आप स्क्वायर हो या किसी और मल्टीप्लाई हो या डिफरेंट हो या 40 × 40 ही क्यों ना हो या कोई मल्टीप्लीकेशन हो, वह आपको मात्र 2 सेकेंड में डायरेक्ट आंसर देता है ब्रह्मास्त्र। फ्रेंड्स बी अलर्ट, दोस्तों ध्यान देंगे, बेस फिगर आज यहाँ 50 है और मैजिक फिगर 25। मैजिक फिगर क्या होता है कि जो बेस फिगर है उसके जो नंबर है उसमें से हमको मैजिक फिगर सब्ट्रैक्ट किया जाता है, जैसे देखिए है 50 बेस फिगर मान कर मान लीजिए 40 आ गया, तो यहाँ तो न 100 है न 200 के नजदीक है, कैसे कीजिएगा, तो यहाँ देखिए 40 है, 50 से कितना कम है, 10 कम है, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, तो हमको 2 डिजिट लेना है, यानी कि 0 और 0 लेंगे और 1 को यहीं छोड़ देंगे। फ्रेंड्स 50 में 40 कितना कम है, 10 कम है, 10 का स्क्वायर 100, यानी कि 2 जीरो लिए और 1 को यहाँ छोड़ दिए। अब इस 40 में हमको मैजिक फिगर यानी कि 25 को सब्ट्रैक्ट करना है, कुछ नहीं करना है, 25 को सब्ट्रैक्ट अगर करेंगे तो यहाँ 15 होगा, 15 में इसी को 1 को जोड़ देंगे तो यहाँ 16 हो जाएगा, ये 15 में 1 को जोड़ेंगे तो ये 16, यानी कि 1600, यही मेरा 40 का स्क्वायर हुआ। जैसे यहाँ देखिए 42 है, तो 42 जो है वो 50 से कितना कम है, 8 कम है, तो 8 के स्क्वायर कितना होगा 64, तो यहाँ 6 और 4 लिख लेते हैं,
अब ये 42 में हम 25 को सबट्रैक्ट करेंगे। 25 क्या है? मैजिक फिगर है। इसको सबट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ 17 होगा, 25 और 17 42। अब हमको यहाँ 17 लिख लेना है, यानी कि 1764, यही मेरा 42 का होल स्क्वायर हुआ। नेक्स्ट 48 का होल स्क्वायर है। या 50 से कितना कम है? दो कम है। 50 से कितना कम है? दो कम है। तो दो का स्क्वायर कितना होता है? चार होता है। तो यहाँ पे हम 0 और 4 लिख लिए हैं। अब इसमें हम 25 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 8 में से 5 गया 3, 4 में से 2 गया 2, यानी कि 23। 2304, यही मेरा 48 का होल स्क्वायर हुआ। यहाँ ध्यान देंगे 46 है। 50 से कितना कम है? चार कम है। 50 से कितना कम है? चार कम है। 50 से कितना कम है? चार कम है। चार का स्क्वायर कितना होगा? 16। तो डायरेक्ट यहाँ 16 लिख लिए। अब इसमें हमको मैजिक फिगर, यानी ये मैजिक फिगर 25 को सब्ट्रैक्ट करना है। अगर 46 में 25 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 21 होगा। यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे 2116, यही 46 का होल स्क्वायर हुआ है। फ्रेंड्स, हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आओगा, आ गया होगा। दोस्तों, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा। ये जीएस में है कि आप एक दो बार देखिए तो समझ में आ गया। आप प्रैक्टिस कीजिएगा तभी आपके साथ बना हुआ रहेगा। मैं यहाँ समझाने के लिए धीरे धीरे बताया हूँ कि आपको समझ में आ जाए, नहीं तो मैं डायरेक्ट ये लिखूंगा, ये सब नहीं करूंगा यहाँ। फ्रेंड्स, ध्यान देंगे आज। अब कहानी कुछ और है, यानी कि 50 से ज़्यादा है। 50 से ज़्यादा है तो 50 से कितना ज़्यादा है? दो ज़्यादा है। 50 से कितना ज़्यादा है? दो ज़्यादा है। तो दो का स्क्वायर कितना होगा? चार होगा। तो यानी कि 04 लिखेंगे। और इसमें मैजिक फिगर को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी कि 25 को हमको सब्ट्रैक्ट करना है 52 में, तो कितना होगा? 27 होगा, यानी कि 2704, यही मेरा 52 का होल स्क्वायर हुआ। नेक्स्ट 54 का होल स्क्वायर है। 50 से कितना ज़्यादा है? 50 से कितना ज़्यादा है? चार ज़्यादा है। 50 से कितना ज़्यादा है? चार ज़्यादा है। तो चार का स्क्वायर कितना होगा? 16। अब इसमें हमको 25 को सब्ट्रैक्ट करना है, ये मैजिक फिगर, इसको घटा देना है। क्यों घटाना है? क्योंकि हम बेस फिगर हम लोग 50 लेके चल रहे हैं। तो अगर इसमें हम लोग 54 में 25 को सब्ट्रैक्ट अगर करते हैं तो 29 होगा, यानी कि 29 2916। फ्रेंड्स, ये मैं आपको बताने के लिए ऐसे कर रहा हूँ, नहीं तो मैं डायरेक्ट आंसर लिखूंगा। जैसे देखिए, यहाँ दो सेकंड में 55 का होल स्क्वायर करना है, 55 का होल स्क्वायर करना है। 50 से कितना ज़्यादा है? पाँच ज़्यादा है। पाँच का स्क्वायर कितना होगा? 25। और 55 में 25 को घटाएंगे तो 30 होगा, यानी कि 3025, यही मेरा आंसर होगा। 3025 55 का होल स्क्वायर होगा। फ्रेंड्स, हमें उम्मीद है कि अब आपको स्क्वायर निकालने आ गया है ट्रिक के साथ। फ्रेंड्स, आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा तो और कैलकुलेशन आप फास्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मैं ब्रह्मास्त्र दूंगा, जो किसी भी नंबर, सेम नंबर ही क्यों ना हो या डिफरेंट नंबर क्यों ना हो, उसको आप उस ब्रह्मास्त्र मेथड यूज करके मात्र दो सेकंड में निकाल लीजिएगा। और उसमें उसकी खास बात ब्रह्मास्त्र की है कि उसमें कुछ याद करना नहीं रहता है कि इसे मल्टीप्लाई करना है, उसे मल्टीप्लाई करना है। फ्रेंड्स, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं फिर एक लाजवाब टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।